माननीय स्पीकर साहब ने हाउस में प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन किसी ने लगाया कि पंजाब का जो पानी है वो डिप्लीट कर रहा है, तो उस पर बहस हुई, तो हम लोगों ने उस पर बहस करी और 24 तारीख को स्पीकर साहब ने, मार्च 21 को स्पीकर साहब ने एक कमेटी बनाई जिसमें मुझे चेयरमैन बनाया, मेरे साथ सरदार अजनाला साहब हरप्रताप सिंह जी, हरदेव सिंह जी शेरवाल, डॉक्टर राजकुमार, गुरप्रताप सिंह वडाला और मीत है आम आदमी पार्टी से इसके मेंबर बनाए गए। हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज और अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ जिनका पानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध था उनकी मीटिंग्स यहाँ ली और मुझे खुशी हुई है ये जान के कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार 2017 में बनी, तो जब वो इसराइल पहली फेरी पे 6-7 महीने बाद गए तो उन्होंने एक एग्रीमेंट मैक्रॉट कंपनी जो इसराइल का 70% पानी होल्ड डिस्ट्रीब्यूट और उसको संभालती है उसके साथ किया। वो अपनी 4 रिपोर्ट्स पंजाब के पानी पे, चाहे बरसात का हो, चाहे कनाल का हो, चाहे हमारा अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स का पानी हो, उसके ऊपर इस उन्होंने 4 रिपोर्ट्स दे दी हैं और रिकमेंडेशंस 2 रिपोर्ट्स की और उन्होंने देनी है कि पंजाब का पानी कैसे बचाया जा सकता है। पंजाब में ज़्यादातर पानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है और हमने इस कमेटी की सबसे पहली रिकमेंडेशन ये करी है कि जो हमारा वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है उसका गठन ऑलरेडी हो चुका है, बोर्ड का गठन हो चुका है। वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री में से ये जो हमारा बजरी खनन एक अलग-अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, इस मिनिस्ट्री में नहीं होना चाहिए, और इसमें भर्ती और इसका काडर ऐसा बिल्टअप करिए जिनमें आप कल्चर अच्छा डेवलप कर सकें, जो दूर अंदेशी से आने वाली जो हमारी पानी की किल्लत की समस्या है उसको विचार भी करें और जो नीतियाँ सरकार पॉलिसी बनाए उस पर वो काम करें। और इसकी राय हमने अपने जितने सेक्रेटरी साहबान हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, चाहे वो पंचायती राज था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और जिनका पानी, चाहे वो गांव का पानी है, चाहे वो शहर का सीवेज का पानी है, ये सब ट्रीट होके ये वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री उसको हैंडल करे और एक हेड के अंदर ये सारा पानी की साम संभाल और लेखा जोखा होना चाहिए। ये कमेटी ने रिकमेंड करा। कमेटी ने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करी जो मैंने आपको बता भी चुका हूँ। कहने का मेरा मतलब है कि पंजाब की अगर आप बात करें तो 64 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें से करीब 14 बिलियन क्यूबिक मीटर ज़मीन से हम ज़्यादा निकालते हैं। रिचार्ज को ले लो, बारिश का पानी ले लो, कनाल का पानी ले लो और ट्यूबों का पानी जो हम धरती में से खींचते हैं, वो सारा धरती में जब सिंचाई करते हैं तो उसमें से 20% वो रिचार्ज होता है इनटू द ग्राउंड वाटर, जिस पे भी 20। तो अब देखना ये है कि ये हमारा जो 14.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो हम ज़्यादा धरती में से खींच रहे हैं उसको ना खींचा जाए, कम ना होने दें, इन सब चीज़ों पे विचार हुआ। और आज 4.5 साल से कोई नए कनेक्शन ज़्यादा नहीं दिए गए, इसको फ्रीज करना चाहिए कनेक्शंस को, और जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है उसको भी चेंज करना चाहिए, और जो हमारे धरती में 9 इंच नीचे एक प्लेट बन चुकी है उस प्लेट को जब तक हम तोड़ते नहीं तो रिचार्जिंग बढ़ नहीं सकती, रिचार्जिंग बढ़ानी है हमको, चाहे वो नहर का पानी हो, चाहे ऊपर बरसात का पानी हो जो बह के पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा में जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए। और अगर 60 mm बारिश पड़ जाती है
80 mm बारिश पड़ जाती है पंजाब में, तो फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। उसका कारण मुख्य तौर पे नीचे वो प्लेट है, उसके बारे में वो अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से धान को बोएंगे तो हमको कद्दू करना पड़ेगा, जिसको पडलिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। पडलिंग से वो प्लेट बनती है, और ओवर द ईयर्स हम लोगों ने पडलिंग करी, वो प्लेट बनी है। और अगर हमको रोपाई पडलिंग करके करनी है तो वो प्लेट के बगैर किसान का गुजारा नहीं। लेकिन एक नई टेक्निक PAU की है, जिसको DSR बोलते हैं। DSR टेक्निक से सीधी बिजाई सीड्रिल से आप खेत में करते हैं और हल्के हल्के पानी खेत में लगाते हैं, उससे 30% धान की इरिगेशन की कटौती की जा सकती है। पानी जो हमारा पानी म्यूनसिपल वेस्ट है और गाँव का जो छप्पड़ का पानी है, उसको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर में। सो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए नई नई पॉलिसीज़ की बात हमने इस रिपोर्ट में करी है। और बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कमेटी के मेंबर साहिबान का, जिन्होंने MLA साहिबान ने अपना बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दे के इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने की बात करी। और हमारा जो जितने महकमे इन्वॉल्व थे, इरीगेशन हो, एग्रीकल्चर हो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट करा। और मैक्रॉट एक अच्छा काम कर रही है, जिसकी सजेशंस को भी हमने अपनी कमेटी के और इसके बारे में हमने बातचीत करी है। पैडी की खेती को कम करने के लिए नहीं, ये कमेटी किसी खेती को कम करने के लिए, पानी की बचत करने के लिए गठित की गई है, उस पर हमने पूरा काम करा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर पंजाब की आप बात करें तो पंजाब में इस वक्त 300 फुट तक हम पहुँच चुके हैं। अधिकतर ट्यूबवेल हमारे 300 फुट से पानी खींच रहे हैं, और 300 फुट से 83% जितने ट्यूबवेल पंजाब में हैं, उनमें से 83% ट्यूबवेल 300 फुट तक पानी खींच रहे हैं। और हम 6700 करोड़ या 6500 करोड़ रुपये एग्रीकल्चरल बिजली की सब्सिडी सरकार देती है, और 17-18% पानी हम 300 से ज़्यादा गहरा खींच रहे हैं। और अगर ऐसे ही पानी खींचते रहे, 14 बिलियन क्यूबिक मीटर एक्स्ट्रा खींचते रहे, तो मेरे ख्याल से, मेरे पास करेक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 25 साल में ये पानी निपट जाएगा। आज ज़रूरत इसको, पानी को बचाने की है, उसकी बड़ी विधियां हैं, चाहे वो क्रॉपिंग पैटर्न की आपने बात करी थी, हमने भी लिखी है। तो कॉटन को 3 लाख हेक्टर इस वक्त कॉटन के नीचे है, कपास के नीचे धरती हमारी, इसके 7.5 लाख तक गई है पहले, उसको दोबारा बरकरार करना है। ये सब चीज़ें, जोनिंग भी होनी चाहिए, पानी की खपत की पॉलिसी भी होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की बात हमने इसमें करी है।